आज भी बता रही हूँ नेक डिज़ाइन, इसको बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने इसमें सिर्फ बटन का यूज़ किया है और यहाँ पे थोड़ी सी हमने लेस का इस्तेमाल किया है। तो ये देखें, थोड़ी सी लेस लगने से हमारा गले का जो लुक है वो कितना डिसेंट हो गया है और बनके कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलें फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है, यहाँ नेक की कटिंग अभी हमने नहीं करी है क्योंकि हमें नेक डिज़ाइन बनाना है। अब यहाँ पे हमें इस तरह की बुकरम लेनी है फ्यूजिंग पेपर, यहाँ इसकी चौड़ाई रखी है हमने 4 इंच और इसी तरह यहाँ लंबाई हम जितनी रखनी होगी उस हम रखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 1/2 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का निशान हम इस तरह से लगाएंगे, 1.5 से 2 इंच का लगाएंगे। ये 2 इंच का इस तरह लगा लेते हैं निशान। अब यहाँ 1 इंच जितना मार्जिन देते हुए इसकी यहाँ से आउटलाइन कर लेंगे। तो इस तरह हमें ये 12 इंच रखना है और 1 इंच का ही हमारा स्केल है, तो इसके बराबर हम यहाँ निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ इस तरह कटिंग कर लेने के बाद हमें यहाँ पे इसको सादे कपड़े के ऊपर प्रेस के साथ लगा लेना है। सिरे से पहले लगा लेती हूँ इसके साथ। तो यहाँ सिलाई जितना मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इसके ऊपर ही फोल्ड कर देंगे। यहाँ कॉर्नर पे कट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरह से हम तैयार कर लेंगे और इसको अभी हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ हमने पहले नेक कटिंग करनी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया है चौड़ाई में और लंबाई में यहाँ 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और हम यहाँ पे इसको अच्छा सा राउंड देके गोल गले की कटिंग कर लेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे सेंटर में निशान आ रहा है हमारे पास इस तरह से। तो अब ये वाला जो हमने तैयार करके रखी है पट्टी, इसको यहाँ बिल्कुल हम सेंटर में रखेंगे रख के और यहाँ पे इसको इस तरह से सी लेंगे। यहाँ पे पहले हम इसकी वी की सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे इसी तरह इसमें क्रीज लगा लेते हैं या इसको हम इस तरह से निशान डाल लेते हैं। तो इस निशान पे हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है, तो सिलाई को हम यहाँ एक तरफ से लगाते हुए आएंगे और फिर यहाँ दूसरे साइड से लगा लेंगे। यहाँ जो हमने वी कटिंग करी है इसकी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं और अब ये बिल्कुल सेंटर आ रहा है, यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे इसकी। तो यहाँ इसको बैक साइड पे टर्न कर देंगे। तो यहाँ देखें, हमने इस तरह से इसको पीछे की तरफ टर्न कर दिया है पट्टी को और अब यहाँ पे मुझे गले के अंदर और ये पट्टी कटिंग करके लगानी है। तो यहाँ 1.5 इंच चौड़ी हम और ये पट्टी लेंगे। तो यहाँ इसको इस तरह डबल करके हम इसके साथ इस तरह लगा लेते हैं। हमने पट्टी लगा लिए गोल और अब मैं इसको इस तरह से इसी किनारे को फोल्ड करते हुए इसको बैक साइड पे टर्न कर दूंगी और इसको सिलाई लगा लूंगी इस तरह से। तो यहाँ देखें, इस तरह हमने गले में पट्टी लगा के फोल्ड कर ली है। तो यहाँ पे देखें, ये वाली लेस है, तो ये वाली लेस को सीधा रखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से इसको इसमें लगाएंगे यहाँ पे और सिर्फ हमें यहाँ जो इसका कॉर्नर आ रहा है यहाँ तक लगानी है। उसके बाद से हम यहाँ बटन टेक पट्टी लगा लेंगे इसके अंदर। तो दोनों साइड पर मैं एक ही तरह से लगा लेती हूँ।
तो यहाँ देखिए हमने ये कॉर्नर तक इसमें लेस लगा ली है। अब इसके बाद से हमें यहाँ पे ये बटन टेक पट्टी नीचे रख के लगानी है इसमें, तो यहाँ से रख के लगाएंगे हम जहाँ हमारा ये वी स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरफ एक तरफ ये सादी सिलाई लगा लेंगे और एक तरफ जो है इस तरह के डोरी के लूप्स बना के लगाएंगे हम। तो छोटे छोटे लूप्स जो जितना हमारा बटन है उस हिसाब से हम इसके लूप्स बना लेंगे। देखिए हमारा ये डिज़ाइन बन गया है और अब यहाँ पे हमें बटन लगाने हैं। तो ये जितने भी हमने लूप्स लगाए हैं इनके साथ हमें यहाँ पे इन बटनों को इस तरह से अटैच कर लेना है। तो इन बटनों को भी मैं लगा लेती हूँ। यहाँ देखिए इस तरह हमारा नेक डिज़ाइन बन के तैयार है और ये देखें बनने के बाद कितना डिसेंट लुक दे रहा है। लॉन की शर्ट से इस तरह की अगर हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो हमारा ज़्यादा अच्छा ड्रेस तैयार होता है और डिसेंट लुक भी देता है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा।